अगर मुर्गा भाग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन के हमले किए। मामला ये है कि गांधी जयंती के मौके पर भाजपा सरकार की ओर से 36 घंटे का लगातार सत्र आयोजित किया गया जिसमें विपक्ष ने भागीदारी नहीं की। हालांकि कुछ गिने चुने नेता जो कांग्रेस के विधायक हैं, दीपक सिंह, आदित्य सिंह, शिवपाल यादव जो प्रसपा के अध्यक्ष हैं, वो पहुँचे भी, लेकिन समूचे विपक्ष ने इसमें अपनी भागीदारी नहीं दिखाई, उनकी मौजूदगी नहीं दिखी। इसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में विपक्ष और सरकार के बीच में खासा संघर्ष देखने को मिल सकता है और ये संघर्ष सदन से लेकर के सड़क तक देखने को मिल सकता है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सदन में विपक्ष की मौजूदगी नहीं दिखी, उसके बाद से सरकार लगातार जो है विपक्ष पर चुन चुन के हमले कर रही है। वहीं विपक्ष भी लगातार उसके लिए तर्क दे रहा है कि गांधी जयंती के मौके पर सरकार गांधी जी के आदर्शों को नहीं मानती, इस वजह से उन्होंने विपक्ष में सदन में अपनी भागीदारी नहीं की। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।